वेलकम टू रिमीज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जो है क्रिस्पी क्रंची चिकन स्ट्रिप्स। जी, जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। मेरी हर कुकिंग में मुझे बच्चों का बहुत ख्याल होता है कि हमारे बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो ये रेसिपीज बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि आपने इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। स्ट्रिप्स बनाने के लिए आपको जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप नोट डाउन करें। मैंने 7 से 8 चिकन स्ट्रिप्स ली हैं और इनको मैंने इस तरह लंबा लंबा कटवा लिया स्ट्रिप्स बनाने के लिए। तो ये अराउंड 100 ग्राम चिकन है आपके पास। 1 टीस्पून आपको सॉल्ट चाहिए, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून आपको चाहिए जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून आपको चाहिए गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून आपको चाहिए पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर एंड 1 टीस्पून सोया सॉस। और यहाँ पे आपको मैदा चाहिए अराउंड 1/2 kg। मैंने मैदा लिया है, जो मेरी 7 से 8 स्ट्रिप्स को क्रिस्पी बनाने के लिए बहुत है। तो आपने भी इस तरह मैदे को एक बहुत बड़े से बाउल में डालना है ताकि हमारी कोटिंग बहुत अच्छी सी हो जाए। और क्रंची KFC स्टाइल चिकन बनाने की एक खास ट्रिप है जिसको मैं आपको सामने करके दिखाऊंगी। उस ट्रिक से आप जो है वो अपनी बिल्कुल वैसे ही चिकन स्ट्रिप्स बनेंगी जैसी हम रेस्टोरेंट जाके खाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए आपने इस तरह का एक बाउल ले लेना और उसमें हम अपनी चिकन स्ट्रिप्स डालेंगे। अब हम इसमें सब स्पाइसेस ऐड करेंगे, मस्टर्ड, रेड चिली फ्लेक्स, जिंजर पाउडर, व्हाइट पेपर, गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, पेपरिका पाउडर, रेड चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, और ये हमारा ऑयस्टर सॉस है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सात से आठ स्ट्रिप 2 से 3 लोगों के खाने के लिए बहुत है। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा लें। अब अपने इस मैरिनेट किए हुए चिकन को आप 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दें ढककर। जब ये अच्छी तरह मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे मैदे से। जी, तो 2 घंटे बाद हमने अपना चिकन पाई निकाल ली और ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह क्रंची और क्रिस्पी बनाना है। उसके लिए मैदा आपको मैंने बताया था आपको चाहिए 1/2 kg। और यहाँ पे हम एक बॉल में बहुत आइस वाटर लेना है आपने, बहुत ठंडा पानी, और 1 टीस्पून आप गार्लिक पाउडर लेंगे और उसे अपने मैदे में ऐड कर लें, और 1 टीस्पून आप सॉल्ट लेंगे और उसे भी हम इस मैदे में ऐड कर लेंगे। बहुत इजी सी रेसिपी है।
हाथ की मदद से आप इसको मिक्स कर लें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी चिकन स्ट्रिप लेंगे और उसको हम मैदे में ऐड करेंगे। जब आप मैदे में इसको डालेंगे तो ये मैदा इसको लग गया। अब आपने इसको इस मैदे में इस तरह से मूव करना है और यूं बार बार इसको झाड़ना है। अगेन आपने इसको हाथों से यूं दबाना है मैदे के साथ और फिर से इसको झाड़ें ताकि इसकी वो कोटिंग बनती रहे जो आपको अक्सर फ्राइड चिकन में या KFC चिकन में नज़र आती है। आप ये देखें, आप जब आप 3 दफ़ा कर लेंगे तो हम इसको अपने आइस वाटर में डिप करेंगे, निकालेंगे। जस्ट एक दफ़ा आपने डाल के इसको फ़ौरन निकाल लेना और दोबारा इसको हम अपने मैदे में डालेंगे और फिर से वही स्टेप्स करेंगे जो हमने पहले अभी किए हैं। अगर आप इसको बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल पानी बहुत ठंडा होना चाहिए। इसको अगेन अपने हाथों से यूं आप करें प्रेस और झाड़ें। अब आप इसकी लुक चेक करें, आपको इसके साथ मैदे के क्रंची और क्रिस्पी फ्लेक्स से नज़र आ रहे होंगे। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे होंगे जैसे हम KFC में स्ट्रिप्स लेते हैं तो वैसा बन होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही होंगे। अब आप देखें चिकन की कोटिंग हो गई है और इसके ऊपर बिल्कुल क्रिस्पी फ्लेक्स बन गए हुए हैं। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रंची से हो जाएंगे। तो चलिए हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राइंग करने के लिए मैंने 10 मिनट पहले ऑयल जो है वो बहुत लो फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। आपका ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, आप इसको पहले चेक कर लें। देखिए मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन मैंने अभी भी इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है। अब हम इसमें 1 by 1 अपनी स्ट्रिप्स डालेंगे और आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही कुक करना है। सात से आठ मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। जब एक साइड से हमारा चिकन बिल्कुल फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे दूसरी तरफ टर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको इसी लो फ्लेम पे आपने फ्राई होते रहने हो गए। अब मैं इसको टर्न करूंगी और बहुत आराम प्यार से आपने इसको टर्न करना है। अब हम फिर से इसको 8 मिनट के लिए पकाएंगे।
मिनट हो गए। अब जब आप देखें कि कोटिंग पूरी तरह आपके चिकन के साथ लग गई है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसको गोल्डन करने के लिए अपने चूल्हे की आग थोड़ी सी मैं तेज़ करूँगी ताकि ये गोल्डन हो जाए और फिर हम इसको निकाल लेंगे। जी तो मेरी चिकन क्रंची स्ट्रिप बिल्कुल रेडी है। आप ये देखें, इसकी लुक चेक करें। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारी क्रंची क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बिल्कुल रेडी हैं। मैंने पहले से फ्राइज बना कर रखी हुई थी, तो मैं इसके साथ सर्व करूँगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।